जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर अब समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने पुलवामा आतंकी हमले को साजिश करार देते हुए कहा कि वोट के लिए जवान मार दिए गए। रामगोपाल यादव ने दावा किया कि उस दिन जम्मू और श्रीनगर के बीच में चेकिंग नहीं थी, वहीं साधारण बसों से जवानों को भेज दिया गया। रामगोपाल के मुताबिक ये एक बड़ी साजिश थी और जब सरकार बदलेगी तो इसकी जाँच होगी। वहीं रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पलटवार किया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में सीधे सिंपल बसों में भेज दिया गया। बख्तरगंज गाड़ी जहाँ मिलती थी वहाँ रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जाँच होगी तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जाने दिलवा दी और वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए। बहादुर जवानों की शहादत पर समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री राम गोपाल यादव के द्वारा प्रश्न खड़ा करना तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है, राजनीति की घटिया स्तर का प्रदर्शन है। इस प्रकार के शर्मनाक बयानों से देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने की एक साजिश का एक हिस्सा है। आतंकी संगठनों के दुस्साहस को बढ़ाने वाला इस प्रकार के बयानों के लिए सपा महासचिव को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसा बयान देगी ऐसी कभी अपेक्षा नहीं थी। क्या भारत की कोई पार्टी इस तरह का बयान दे सकती है जो बयान पाकिस्तान दे रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने खुद ही बम फोड़ लिए, इस तरह का बयान दे रही है समाजवादी पार्टी? इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले कभी इसके लिए क्षमा नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी को। किसी भी पार्टी के किसी भी राजनीति का बयान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोकतंत्र की मर्यादा भी भंग हो और सैनिकों के शौर्य पराक्रम पर भी सवाल उठे। मैं ऐसे किसी भी बयान को आपत्ति नहीं मानता। देखिए, रामगोपाल यादव जी किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं वो वही स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना अवश्य होगा कि जिसने भी ये घटना की है वो देश का दुश्मन है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए हालत में, और ये जघन्य अपराध। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव मौजूद हैं, नरेंद्र यादव हैं लखनऊ से, साथ ही हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हैं न्यूज रूम से। सबसे पहले मैं नरेंद्र के पास जाऊंगी। नरेंद्र, रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है और इसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया है और इसे शहीदों का अपमान बताया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राम गोपाल यादव का बयान आया है, आचार संहिता लग चुकी है और उन्होंने इसे वोट से भी जोड़ा है, इससे साफ होता है कहीं ना कहीं राम गोपाल यादव को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार को इससे फायदा हो रहा है, इसी के चलते उन्होंने काउंटर करने का प्रयास किया है और इसे जनता के बीच में रखा है। एक बार फिर उन्होंने इस बयान को दोहराया है, क्योंकि राम गोपाल तब कहाँ थे जब सभी पार्टियों की तरफ से बयान आ रहे थे, सरकार की तरफ से बयान आ रहा था, सेना की तरफ से बयान आ रहा था, तो राम गोपाल यादव को उसी समय ये बयान दे देना था। अब उन्होंने कहा है कि सरकार बदलेगी तो जांच होगी, जांच में कई बड़े लोग होंगे, यानी उनका इशारा साफ है कि जो सत्ता में है, जो सरकार में है, वो लोग फंसेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो इन्होंने इसे वोट से जोड़ा है, जनता से जोड़ा है और कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी। तो निश्चित तौर पे जब उनका वक्त है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में कोई भी राजनेता नाप तौल कर ही बोलता है। क्या रामगोपाल यादव जो बोल रहे हैं उतना ही नपा तुला है, फायदा नुकसान देख के बोल रहे हैं वो ये बात?
बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत रामगोपाल यादव का ये बयान आया है, क्योंकि अमिताभ जी देखिए दो तीन चीजें साफ है। इस पूरे बयान का मतलब यही है कि जो ये महागठबंधन है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, इनको लग रहा है कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो जनता पे छाया हुआ है, और जब से बालाकोट की घटना हुई है उसके बाद से देश का नैरेटिव बदला है, जो चर्चा का आधार है बदला है, और लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये उस हताशा में उस बैकफुट पर जाने का परिणाम हो सकता है कि ये सीधे सीधे पुलवामा के शहीदों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इससे मुश्किल में पड़ेंगे महागठबंधन के वोटर, और वो वोटर जो मन बना रहे होंगे आगे आने वाले दिनों में वोट देने का। तो जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में अपने नेताओं पर रोक लगाई कि इस मुद्दे पर न खेलें, बीजेपी ने जो ग्राउंड तैयार किया, जो पिच तैयार की है, उस पर खेलने की कोशिश न करें, उस पर रामगोपाल ने ऐसा बयान देकर जाहिर तौर पर महागठबंधन के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि अगर राष्ट्रवाद का नैरेटिव भारी होता है तो बीजेपी का राजनीतिक गेम है, बीजेपी की पिच है, और उस पर दूसरी पार्टियों के लिए आकर खेलना आसान नहीं होता है। बिल्कुल, अमिताभ और नरेंद्र दोनों हमारे साथ बने रहिए, वापस हम आपके पास लौटेंगे। राजीव गांधी के खास रहे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले के शहीदों का अपमान किया है। सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले को लेकर कहा कि ऐसे हमले होते रहते हैं। पित्रोदा ने कहा कि मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले के मुद्दे पर कहा कि 8 लोगों ने आतंकी हमला किया था और उसके लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सैम पित्रोदा के बयान पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। तो पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, ये कहा गया है सैम पित्रोदा की तरफ से, और ये विवादित बयान सामने आया है। सैम पित्रोदा के बारे में कहा जाता है कि वो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं और उन्होंने इस बयान के जरिए शहीदों का अपमान किया है, क्योंकि उनके इस बयान के सामने आने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। और आपको बता दें कि सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले के शहीदों का अपमान किया है। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर कहा कि ऐसे हमले होते रहते हैं। पित्रोदा ने कहा कि मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले के मुद्दे पर कहा कि 8 लोगों ने आतंकी हमला किया था और उसके लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी नहीं माना जा सकता है। सैम पित्रोदा के बयान पर विवाद खड़ा हुआ है, और ऐसे वक्त में जब पुलवामा हमले के बाद पूरा देश एकजुट है और जो हमारे नेताओं के बयान सामने आते हैं, जो विवादित बोल सामने आते हैं, वो पाकिस्तानी मीडिया में हेडलाइंस बनते हैं। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, तो सीधे तौर पर बीजेपी अब इसे शहीदों का अपमान बता रही है। और आपको बता दें कि सैम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए हैं और लगातार वो इसको लेकर के सरकार पर हमलावर है। इससे पहले हमने देखा कि रामगोपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि यह हमला सरकार ने करवाया वोट बैंक के लिए। इससे पहले अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जयदेव का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो पुलवामा हमला हुआ है वो पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच मैच फिक्सिंग था, और इन बयानों को लेकर के काफी विवाद भी खड़ा हुआ, बखेड़ा खड़ा हुआ। पाकिस्तानी मीडिया ने इनको हाथों हाथ लिया, और अब राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि ऐसे हमले, पुलवामा हमले होते रहते हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अमिताभ सिन्हा के पास चलते हैं। अमिताभ सिन्हा, जो सैम पित्रोदा ने यह बयान दिया है कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, यही वो बयान है हमारे राजनेताओं के जो पाकिस्तानी मीडिया में हेडलाइंस बन जाते हैं? बिल्कुल, ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से राष्ट्रवाद के मुद्दे से हटाकर दूसरे मुद्दों पर बहस की दिशा उन्होंने छेड़ी थी। अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हो सकता है उनसे सवाल ये पूछा जाए तो उसका जवाब भी उनको देना पड़े। लेकिन उनके सलाहकार हैं ये, उनके पिता राजीव गांधी के ये सलाहकार हो चुके हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन, टेलीकॉम रिवोल्यूशन, कंप्यूटराइजेशन, ये तमाम चीज़ें सैम पित्रोदा के जमाने की ही शुरू की हुई है, 80 के दशक की। ऐसे सैम पित्रोदा जो आज भी सलाहकार हैं कांग्रेस को, उनका ऐसा बयान देना जो राजनीति की समझ रखता है उसके समझ से परे है। क्योंकि आप पुलवामा पे सवाल उठा रहे हो, देश पर हमलों पे सवाल उठा रहे हो, ऐसे हमले होते रहते हैं इसको आप सही ठहरा रहे हो, आप बालाकोट पे सवाल उठा रहे हो, तो जाहिर तौर पर एक राहुल गांधी के सलाहकार के लिए, एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति के लिए ऐसे बयान देना जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए भी मुश्किल खड़ी करेगा। और जाहिर तौर पर यह तय है कि आने वाले दिनों में ये चर्चा बहस का नैरेटिव तय करेगा, देश में बहस की दिशा भी तय करेगा। यही दोनों बयान घातक सिद्ध हो सकते हैं कांग्रेस के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। ठीक है अमिताभ, आप बने रहिए, सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। आई हैव लर्न दैट इन इंडिया लॉट ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन फ्लोट्स अराउंड, एवरीबडी मेक्स ऑल काइंड्स ऑफ क्लेम्स। आई हैव सीन पीपल मेकिंग क्लेम्स लाइक वी हैव क्रिएटेड 80 मिलियन टॉयलेट्स। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक।
So you really need to go deep into the data, understand and sort out truth. विक्रांत इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, सैम पित्तौदा जो कि सलाहकार माने जाते हैं कांग्रेस के और बेहद खास रहे, उनकी तरफ से ये बात एक तरीके से सीधे तौर पर कांग्रेस को डैमेज जरूर देगा। देखिए बिल्कुल, इस समय पे जब देश पूरी तरीके से चुनावी माहौल में है और कांग्रेस की ये पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से वो बाकी मुद्दों पर चुनाव को लेकर के आए, चुनाव का एजेंडा बदले, राष्ट्रवाद जिस पर बीजेपी चुनाव को ले जाना चाहती है और चाहती है कि इसी मुद्दे पर चुनाव रहे, कांग्रेस के तमाम नेता ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह बाकी मुद्दों पर भी बात की जाए। ऐसे समय में सैम पित्तौदा का बयान, और सैम पित्तौदा कोई मामूली आदमी नहीं है जैसा अभी अमिताभ ने बताया, और साथ साथ वो कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भी जानकार हैं, और वो अगर इस तरीके का बयान दें, वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगी, हमले होते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 8 आदमी आकर के मुंबई हमला कर देते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरे देश के ऊपर हमला कर दें, देश को जिम्मेदार ठहराएं, इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यवहार नहीं होता। तो एक तरह से ऐसा बयान, क्योंकि पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो चंद आतंकवादियों के जरिए होने वाली घटनाएं नहीं है, बल्कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान की सरकार की उसमें शह होती है, ISI की उसमें शह होती है, और पाकिस्तान सरकार और सेना के नियंत्रण में आतंकवादी संगठन काम करते हैं। ऐसे समय में इन सब चीजों को देखते हुए सैम पित्तौदा का यह बयान जो सामने आया है, निश्चित तौर पर बीजेपी के भी चुनावी हमले तेज होंगे, और बीजेपी निश्चित तौर पर इसका जवाब भी देगी कि किस तरीके से सैम पित्तौदा का जो बयान है वो ना सिर्फ सेना के ऊपर हमला है, बल्कि जिस तरीके से भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया उसको भी करने का आदेश दिया और एयरफोर्स ने किया, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए, और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता संदीप पात्रा फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप पात्रा, सैम पित्तौदा कह रहे हैं कि जो पुलवामा में हमला हुआ है ऐसे हमले होते रहते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बयान है। जहां तक सैम पित्तौदा जो कि छोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और राहुल गांधी जी के चीफ एडवाइजर भी हैं, जब वो कहते हैं कि पुलवामा एक ऐसी ही हमले हैं, तो ऐसे हमले होते रहते हैं, भारतवर्ष को इसके लिए पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक नहीं करना था, आतंकियों को नहीं मिटाना था, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बयान कहलाएगा। दूसरी बात, सैम पित्तौदा कहते हैं 26/11 भी हुआ था, मगर 26/11 के समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने तो इस प्रकार का कोई अटैक नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, 6-8 लोग आए थे, उन्होंने अटैक किया और वो चले गए, उनको हमने यहाँ देख लिया। तो पाकिस्तान को टेररिज्म से जो अलग करने की चेष्टा सैम पित्तौदा और कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दिखाती है। और आप देखिए, ये बयान सैम पित्तौदा का पाकिस्तान के तमाम चैनलों में दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आतंक और पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये एक शर्मनाक बयान है। संबित, इसको अगर राजनीतिक तरीके से भी देखा जाए, क्योंकि शिवराज जिस तरीके से रामगोपाल यादव, माफ कीजिए, ये इस तरीके की बात कर रहे हैं कि ये जो हुआ है ये सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा, सैम पित्तौदा ये इस तरीके की बात कर रहे हैं कि ऐसे हमले होते रहते हैं, तो जो राष्ट्रवाद की छवि कांग्रेस बनाना चाह रही थी उसे झटका लगा है, और सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होगा क्या ऐसी बातों से? देखिए, मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूँ, इसको मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी कदई इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखती है। राष्ट्रवाद राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का सामरिक विषय है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, इसमें नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को एक नेतृत्व दिया है, और पूरा विश्व आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। ऐसे में दुख इस बात की होती है कि हमारे देश के अंदर ही ऐसे कुछ नेता हैं जो पता नहीं किस बौखलाहट के कारण पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। बिल्कुल संबित, जो बातें आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम सैम पित्तौदा के बयान को देखें या फिर इससे पहले हम रामगोपाल यादव के बयान को देखें, उन्होंने कहा कि अगर सरकार बदलती है तो कई बड़े नामों का इसमें खुलासा होगा और वो गिरफ्तार होंगे, इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, ऐसे में क्या ये बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी? क्योंकि लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और ऐसे में लगातार आपकी सरकार को लेकर के हमले हो रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का विषय है। दुख इस बात का है कि एक खड़ा हिंदुस्तान की राजनीति में अपने राजनीतिक अकर्मण्यता के कारण यह चेष्टा कर रही है दिखाने में कि पुलवामा का हमला भारत ने करवाया है, यह चेष्टा कर रही है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान नहीं है, यह चेष्टा कर रही है कि देखो एयर स्ट्राइक नहीं होने चाहिए थे, और इससे इनको पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल में तो TRP मिल रहा है, मगर हिंदुस्तान की जनता ये सब कुछ देख रही है, और हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, जनता ही जनार्दन है, और इसका नतीजा आप देखिएगा आने वाले चुनावों में, लोग इसको मतपेटी में मतदान में परिवर्तित करेंगे और इनको जवाब देंगे।
शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।